Hello student, welcome to our channel in focus study. In this video we will discuss the solution of class 10th English paper. ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो. कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसे आप मैच कर सकते हैं कितना स्कोर आपने किया है. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिल्खा सिंह नोन एज. तो इनको फ्लाइंग सिख बोला जाता था, आपको पता होगा अगर आपने रीड किया होगा, स्टार्टिंग में ही लिखा था. फिर व्हाट रियलाइजेशन डिड मिल्खा सिंह हैव व्हेन ही वाज ऑन द ट्रैक ड्यूरिंग द मेलबर्न ओलंपिक. मेलबर्न ओलंपिक में उन्होंने क्या रियलाइज़ किया था. तो देखो, सिंपल सा है, वो पहले इंडिया में कॉम्पिटिट करते थे, लेकिन वहाँ पे उनको रियलाइज़ हुआ कि उनको बाहर जाना चाहिए, और जब बाहर गए मेलबर्न तो वहाँ पे हार गए थे. तो हार के उन्हें यही रियलाइज़ हुआ कि मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, मुझे आगे और प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें आपको ये लिखना था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते टू मिल्खा सिंह अचीवमेंट. तो मिल्खा सिंह की कोई दो अचीवमेंट लिखनी थी, तो यह आप लिख सकते थे इजिली. लास्ट वाले पैराग्राफ में था इसका आंसर, सॉरी सेकंड वाले फर्स्ट वाले पैराग्राफ में था इसका आंसर. ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक में आप कोई सा भी पुट कर सकते थे. ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. अपना थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, व्हाट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन डिड मिल्खा सिंह फॉलो. कौन कौन से स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन मिल्खा सिंह ने फॉलो किए थे. इसका आंसर आपको फिफ्थ में मिल जाएगा. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, माय लाइफ ड्यूरिंग द टू इयर्स, यहाँ से लेके आप यहाँ तक कोई सा भी लिख सकते थे. ठीक है, मतलब ये आप थोड़ा सा चेंज करके लिखना है. ठीक है, वॉइस चेंज करनी पड़ती है इसमें. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज हार्ट एंड स्ट्रेन्यूअस प्रैक्टिस. ठीक है, कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे. तो यहाँ पे आप इसका आंसर आपको फोर्थ में मिल जाएगा. कौन से मिल जाएगा, फोर्थ पैराग्राफ में मिल जाएगा. यहाँ से यहाँ तक देखो, वैन से लेके यहाँ तक आप लिख सकते हो. ठीक है, ये दोनों, ये फोर्थ क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर. ठीक है, देखो यार, आंसर सिंपल होता है, बस आपको ढूंढना आना चाहिए. ढूंढ के डिट्टो नहीं, कभी भी डिट्टो कभी भी राइट नहीं करना चाहिए. क्या करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में करना चाहिए. ठीक है, फैमिलियर लैंग्वेज होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मोटिवेशन मिल्खा सिंह, व्हाट मोटिवेटेड मिल्खा सिंह टू बिकम द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड. तो क्या चीज़ उनको मोटिवेट किया था, किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया था. ठीक है, तो इसके बाद इसका भी आंसर आप यहाँ से देख सकते हो, फोर्थ में ही होगा. हाँ, ये रहा इसका आंसर, ही वॉज डिसअपॉइंटेड विथ हिज डेब्यूट परफॉर्मेंस इन 1956 मेलबर्न ओलंपिक. आई रिटर्न टू इंडिया एंड कैरेक्टर कैच चेस्टेंड बाई माई पुअर परफॉर्मेंस इन मेलबर्न. ठीक है, तो यहाँ से आप इसको यहाँ से यहाँ तक लिख सकते थे, इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्रेज आई वुड स्टार्ट अगेन इन द लास्ट सेंटेंस. ठीक है, तो लास्ट सेंटेंस में आई वुड स्टार्ट अगेन का पूछा हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका मतलब होगा उन्होंने जब दोबारा स्टार्ट किया था. ठीक है, इतना उनको लाइक डिजीज़ हुई थी, प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद भी उन्होंने दोबारा स्टार्ट की थी रनिंग. तो इसका आंसर यही आप लिख सकते थे लास्ट पैराग्राफ से मैच करके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, एक्सप्लेन जैके रोलिंग्स नियो मैजिकल राइज टू फेम. ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, उन्होंने एकदम से फिर फेम कैसे एकदम से उनको मिल गया था, पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था. तो इसका आंसर आप इस ग्राफ से लिख सकते थे. ठीक है, इस ग्राफ से देखो आप, पहले धीरे 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 बहुत कम हो रहा था इनका, 5, 7, 13, ठीक है, 17, 13, 14, 19, फिर सडनली 2016 में इन्होंने ये देखो आप यहाँ से इसको ऐसे मैच कर सकते हो. ठीक है, फिर इसको ऐसे, लेकिन यहाँ के बाद यहाँ हो गया था, तो सीधा अप गया था, वो भी बहुत ज़्यादा, 95 मिलियन. ठीक है, तो ये आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द रीज़न डिड पब्लिशर गिव फॉर रिजेक्टिंग रॉलिंस बुक. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये था. ठीक है, ये आंसर है, एट फर्स्ट नोबडी वांटेड टू पब्लिश हैरी पॉटर, सी वॉज टोल्ड दैट प्लॉट वॉज टू कॉम्प्लेक्स. मतलब ये बोला गया था कि इनका प्लॉट जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, कहानी जो इनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, किसी को समझ में नहीं आएगी. ठीक है, फिर बाद में आपको पता ही क्या हुआ था. वट वॉज द ड्रॉबैक ऑफ अचीविंग फेम, ड्रॉबैक क्या है अचीविंग फेम का. तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते थे, हाँ ये था, डे एंड नाइट शी हैड जनरली स्नोकिंग ऑन द अनआंसर्ड डोर ऑफ द फ्लैट. तो ये आंसर इसका था. ठीक है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ अगर फेमस बन जाते ये सब चीज़ें हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज रोलिंग आउटरेज विथ अ इटालियन डस्ट जैकेट. ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा अभी, हाँ ये था, सी थ्रिल्ड विद द, यहाँ से सी थ्रिल्ड विद द स्टीफन फ्लाई टेप्ड वर्जन ऑफ बुक एंड आउटरेज डेट एन इटालियन जस्ट अरे डस्ट जैकेट. ठीक है, तो यहाँ से आंसर आप इसका आंसर लिख सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फाइंड अ वर्ड इन द लास्ट पैरा डेट मीन्स सेम एज इनसिक्योर और हेल्पलेस। ठीक है, तो इनसिक्योर और हेल्पलेस का कौन सा वो हो जाएगा आपका, वो वल्नरेबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते थे ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हाउ मैनी ईयर्स डिड इट टेक रोलिंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, देखो इसका ग्राफ से आपको लिखना था कितने साल लगे उन्हें सक्सेसफुल होने में। तो आप देखो यहाँ से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल और 6 साल, सातवें साल उन्होंने ये कर दिया। तो आपको टोटल 6-7 साल लिख सकते हो, तो आप इसका आंसर हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन पे आते हैं, ये एनालिटिकल पैराग्राफ था, आप इजीली इसको लिख सकते थे। स्टार्टिंग करना होता है, मैंने इसके लिए वीडियो भी बना रखी थी, स्टार्टिंग कैसे करते हैं एंड कैसे करते हैं, तो ये आप इजीली कर सकते थे। बाकी एक लेटर आया हुआ था वो लिख सकते थे। इस ग्रामर के पार्ट में आते हैं, इसमें क्या पूछा था, आंसर क्या होगा, मैं आपका मैच करवा देता हूँ। देखो पहला था, कैन आई बोरो योर मैथ बुक, ठीक है, फॉर कपल्स ऑफ डेज। रितिका ने बोला, मोहित ने क्या बोला, यस सर्टेनली आई हैव ऑलरेडी स्टडी फॉर द टेस्ट टुमारो। मतलब मोहित ने, रितिका ने बुक मांगी, मोहित ने बोल दिया हाँ ले सकते हो, क्यों, क्योंकि उसने पहले ही स्टडी कर रखी थी उसकी। ठीक है, तो ये आपको इसको बनाना था, आपको चेंज करना था। देखते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा था, रितिका आस्क्ड टू मोहित, तो रितिका ने क्या मोहित से पूछा था। ठीक है, तो उसने वो आप यहाँ पे ये लिखोगे, इफ़ शी कुड बोरो हिज मैथ बुक, इफ़ शी कुड बोरो हिज मैथ बुक, यहाँ पे ये हो जाता है इफ़ शी कुड बोरो हिज मैथ बुक। फिर मोहित अग्रीड एंड सेड डैट, उसने क्या बोला था, ही हैड ऑलरेडी स्टडी फॉर द लास्ट, नहीं ही सेड, सॉरी ही सेड ऑलरेडी ऑलरेडी स्टडीड फॉर द लास्ट लास्ट टेक्स्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, नहीं ये मिस्टेक हो गई, दोबारा इसको करते हैं। देखो मोहित अग्रीड एंड सेड डैट, ठीक है, उसने क्या बोला, ही सेड ऑलरेडी स्टडीड फॉर द लास्ट टेस्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, उसने टेस्ट के लिए नेक्स्ट डे जो टेस्ट था उसके लिए ऑलरेडी स्टडी कर ली थी, तो वो बोरो कर सकती थी। फिर यह आया था, ये भी काफ़ी इजी था, यहाँ पे एट की जगह जब हम प्लेस की बात कर रहे टाइम की बात डेट की बात करते हैं तो एट की जगह क्या आएगा, इन आएगा, तो यहाँ पे एट की जगह क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा हमारा आंसर इन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में था स्टार्ट, तो स्टार्टेड में थर्ड फॉर्म है तो स्टार्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। ईडी लगा देना है यहाँ पे, आपको ईडी लगा दोगे तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था, नेक्स्ट पैराग्राफ था टू, थर्ड में बोला था टू आउट नंबर मैन इन, ठीक है, तो टू आउट नंबर मैन इन। फिर इस पैराग्राफ में टू आउट नंबर मैन इन एडमिशन ऑफ कॉलेज, तो यहाँ पे कॉलेज के यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो यहाँ पे आप ऑफ लिखना था और यहाँ पे टू लिखना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर थे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन ईजी थे, आप इजिली लिख सकते थे अगर आपने बुक रीड की होगी। ठीक है, सो ये वीडियो हम एंड करते हैं, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।